इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक चीफ जज राणा शमीम के बयान हल्फी की खबर से मुतालिक केस की समाअत मीर शकीलुर रहमान की अदम पेशी के बायस मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। अंसार अब्बासी ने अदालत को बताया मीर शकील और अहले खाना कोरोना का शिकार और करंतीना में है। अटर्नी जनरल ने मीर शकील को वीडियो लिंक पर लेने की इस्तदा की जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया। केस की समाअत 20 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। मजीद जानेंगे आसिफ नवीद हमारे साथ मौजूद है। आसिफ नवीद बताएगा आज की समाअत के हवाले से मजीद। देखिए साबिक चीफ जज राणा शमीम और दीगर अफराद के खिलाफ तोहीन अदालत केस की आज समाअत हुई। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने गुज़श्ता समाअत पर फर्दर जुर्म कायद करने के लिए डेट फिक्स की थी। तहम आज क्योंकि मीर शकीलुर रहमान जो अखबार के मदीर है वो अदालत में पेश नहीं हुए, जिसकी बिना पर जो फर्द जुर्म की कार्रवाई है उसको 20 जनवरी तक मौखर कर दिया। जिस वक्त समाअत का आगाज हुआ तो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस्तफ़सार किया जो अंसार अब्बासी हैं जो अखबार के रिपोर्टर उनसे कि आपने अपनी दरख्वास्त में लिखा है कि आप नहीं जानते थे कि बयान हल्फी सच है या झूठ, अगर अदालत आपका मौकफ तस्लीम कर ले तो ये किसी को भी ऐसा जैसा दिया देने के मुताबिक होगा कि आपके बयानी के मुताबिक जो है वो मेरे समेत दो जजों को इंटरेस्ट कहा गया। चीफ जस्टिस ने ऐसा कहा बाकी थे और उनका अदालत का ये भी कहना था कि अदालत बहुत कोशिश की कि आपको अंदाजा हो जाए कि आपने क्या किया है और मुझे कोई जितनी मर्जी तनकीद का निशाना बनाए दबाव डाले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा कहना था चीफ जस्टिस का। चीफ जस्टिस का मजीद कहना था कि आप खुद तस्लीम कर रहे हैं कि हो सकता है कि बयान हल्फी बिल्कुल झूठ पर मबनी हो। ये तासुर पैदा करने की कोशिश की थी कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज अप्रोच हो सकते हैं और चीफ जस्टिस का कहना था कि आपने इस जज का नाम छाप दिया जो अदालत में था ही नहीं और जिस पर इंसार अब्बासी का कहना था कि हमने क्लेम छापा है और फिर जस्टिस साकिब निसार का काउंटर क्लेम आ गया तो उसको भी हमने देखा। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपका आप क्या कहना चाहते हैं कि अगर बयान हल्फी झूठा है तो आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि उसकी तस्दीक की जाए और आपका इतना बड़ा अखबार है कि क्या नहीं पता था कि इससे मेरे समाज एक हाई प्रोफाइल केस मुतासर हो सकता है। बदकिस्मती से केस चल रहा होता है और मीडिया ट्रायल भी चल रहा होता है फिर क्यों ना पर्दे जुर्म आयद की जाए। जिस पर यहाँ मौजूद के नुमाइंदे उनका ये कहना था कि एक अनजाने में भी चीज हो सकती है पर्दे जुर्म की कार्रवाई पर्दे जुर्म आयद ना की जाए। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या इन हालात में ये प्रोसीडिंग जस्टिफाई है कि नहीं, आपको नहीं पता कि ये सच है तो फिर आपने क्यों ऐसा छापा। तमाम अदालत ने जो मीर शकीलुर रहमान है उनके बारे में इस्तफ़सार किया तो बताया गया कि उनको उनकी बेटी की शादी की दौरान कोरोना हो गया, दो तीन लोग फैमिली के भी कोरोना के शिकार है करंटीना के बाद वो आज पेश नहीं हुए। तमाम जो अटॉर्नी जनरल है उन्होंने कहा कि उनको वीडियो लिंक के जरिए शरीक कर लेते हैं और पर्दे जुर्म की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने जो है वो उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और कहा कि आइंदा समाअत पर हर सूरत में जो अखबार के मुदीर है उनको आना होगा और तमाम मुल्जमान को आना होगा क्योंकि ये जस्टिफाई नहीं है और अदालत ने ठीक है समाअत पे तमाम लोगों को पेश होने की हिदायत की गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में साबिक चीफ जज राणा शमीम के बयान हल्फी की खबर से मुतालिक इसकी समाअत हुई। आपने अपडेट किया आसिफ नवीद, बहुत शुक्रिया आपका।